हैं धन्यवाद। बहुत बढ़िया, दो तीन, ये लीजिए प्ले ऑन का इशारा अंपायर के द्वारा। पहला गेंद हल्के हाथों से खेला, कोई गेंद नहीं। तैयार हो चुके हैं। इस बार समझदारी के साथ हल्के हाथों से खेला, अच्छी गेंद थी ये भी। अगर आप देखें इस बार बहुत बढ़िया गेंद, इस बार भी बॉल की निशानी होती है। इस बार बल्ला घुमाया सीधा, जी हाँ, इस बार फिर यहाँ पर वही नजारा देखने को मिला। दूसरा रिकॉर्ड वो समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे, ठीक खराब गेंद पर स्ट्रोक है, फिर से तैयार हो चुके। और देखिए इस बार भी सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ एरिया पर डाली हुई गेंद। और इसी बीच इस मुकाबले के दूसरे राउंड का पहला पारी का पहला ओवर खत्म होता हुआ, तो पहले ओवर के बाद स्कोर है बस, तो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिला था, दो छक्के के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी आप किस तरह की वो शुरुआत करते, खास करके जो जूनू साहिल ने अच्छा काम किया है। देखिए आपके सामने जो खिलाड़ी खड़े हैं ना, पहली बार के लिए आपका सामना होते हुए, इस बार देखिए सॉर्ट ऑफ ध्यान जिसे कह रहे, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं मैदान पर, बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इस बार देखिए सामने ये फिलहाल दो तीन ओवर देख लेते, इसके बाद देखने करेगा। और यहाँ पर देखिए आपके सामने है जो अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे, उनको स्ट्राइक पे रखना चाहते हैं, फिर से तैयार है सभी। इस बार रिवर्स करना चाहते थे, अच्छी सोच भी थी, देखिए डाउन चली भी, फिर से तैयार है सभी। इस बार क्या बढ़िया, देखिए ये टांगे तोड़ने वाला गेंद था, जी हाँ, नहीं ले सकते, तो देखते हैं साहिल क्या करते हैं अगली गेंद पर। और गेंदबाजी का भार संभालेगी स्कूल एक की जोर से मन्ना आएंगे। और ये लीजिए सभी आते हुए को समझाते हुए बल साहिल सोफी ये किया, जाइए आप अपना पहला विकेट निकाल के दीजिए। देखिए ये भी इस बार क्या क्या लॉ फोटोस, लॉ फोटोस के और नीचे क्या वो पहुंच गति से गेंद कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जो चक्की आने की बात क्या था, रफ्तार थोड़ा पकड़ा की बात है जो सभी মই আগৰ জাগাৰ ফালে বলা না तीन ओवर की समाप्ति के बाद इसको बढ़ता हुआ 26 रन। जी हाँ, ये व्हाइट का ऐसा एक रन का इजाफा, चौथा ओवर प्रगति पर
तो देखिए पहले दो ओवर में क्या कुछ कहा था और इसके बाद दो ओवर लगेंगे तो यहाँ से जितने से ज्यादा रन बने उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके सामने जिस तरीके की बल्लेबाजी है तो यहाँ पर आप 50-60 से भी काम नहीं बना पाएंगे। आप 11 की टीम है और इस बार जाने दिया क्या गेंद वाइड बॉल, वहां पर अंपायर ने ये काफी क्लोज कॉल था, लेकिन देखिए ये जो अंपायर साहब को नजर आ रहे हैं ना, इनकी आंखों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये दोनों काफी प्रभावशाली अंपायर हैं, काफी अनुभव है दोनों में और इन दोनों की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। बहुत बढ़िया फैसला और इस बार सीधा खेला है क्या वहां पर कैच, बहुत ही बढ़िया जुनू। 40-50 से काम नहीं बनने वाला है। इस बार बल्ला घुमाया लेकिन फील्डर को पाया तो बीटू, ये अच्छे बल्लेबाज है मेरे हिसाब से, ऐसे दो बड़े हिट्स चाहिए, टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना है। इस बार क्या गेंद देके जाएगा, छह नहीं, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में और वहां स्लाइस के आउटसाइड पर खिलाड़ी तैनात केवल एक रन, बस यहाँ इसे एक रन के साथ स्कोर करता हुआ 30 रन 30। लेकिन नीचे खिलाड़ी का अनुमान को मिला यहाँ पर, जी हाँ मैच का 5वां ओवर प्रगति पर है जी, और अभी अभी विकेट निकाला था कमल का, बड़ा विकेट मिला ही, क्या बड़ा विकेट, जी हाँ देखना पड़ेगा। ओहो ये मैक्सिमम मैक्सिमम पैसिंग रूम से सेट होकर आए और क्या बढ़िया खेला, इस बार मुंह तो जवाब देता हुआ ईट का जवाब पत्थर से, बिना ये साल उतनी फॉर्म में नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा क्या कहते हैं आज। ये लीजिए फुल टॉस गेंद थी और यही नतीजा होता है फॉर्म में नहीं रहने का नतीजा, आपके साथ एक बढ़िया एक खिलाड़ी फॉर्म में है जी हाँ, इस बार गेंद उठा के मारा है, गेंद हवा पर है, जो अंपायर से जरूर चेक करना चाहेंगे इस गेंद को, क्या ये छक्का है या नहीं, मैं बता रहा था ये खिलाड़ी अपने ऊंचे होने का फायदा उठाते हैं, क्या इस बार फिर से बचा देंगे, अच्छी नहीं इस बार बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगली बार जरूर 5 रन जो भी हो, ये इस पारी का आखिरी ओवर पहला पारी का पहली गेंद, लगभग हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ है लेकिन वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और स्कोर पहुंच चुका है 45-45। इस बार सीधा खेला है, रनआउट का चांस भी था लेकिन वहां पर हल्की सी मिस्की ओवर है जी ने रिवर्स करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर मेरे गेंद शक्तियों के द्वारा फिर से तैयार है बीटू और इस बार हेलीकॉप्टर लेकिन वहां पर टर्न की अच्छी फील्डिंग और एक रन फुल स्कोर बढ़ता हुआ 47। इस बार फिर से वही क्या रनआउट का चांस, मेरे हिसाब से आउट हो जाएगी जी हाँ अपने ग्राउंड को बीटू भाई स्ट्राइक पर, क्या फिर से बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे देखना पड़ेगा अगले गेम बीटू के लिए जी नहीं, यहाँ पर ऑफ सबसे बहुत बाहर अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर सिग्नल किया कि वाइट बॉल, तो एक अतिरिक्त रन मिलेगा फिर से स्ट्राइक पर बीटू, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे और ये लीजिए जी हाँ मैंने कहा और उन्होंने सुन लिया जी हाँ, इस बार वही नजारा देखने को मिला, एक बार फिर दर्शकों को किया है फील्डर में तब्दील, बहुत बढ़िया और इस पारी का अंजाम
स्ट्राइकर छोड़ पर आपको नजर आएंगे जोनू और नॉन स्ट्राइकर छोड़ पर जीतू। जो 55 रनों का जो लक्ष्य खड़ा किया था उसको पीछा करने के लिए फिलहाल गेंदबाजी जीतू। वो पहला गेंद हवा पर है, फील्डर उसके नीचे, वो क्या बढ़िया कैच, वो क्या बढ़िया कैच। গতি আমি দুইটা দলক সাজু হয়ে থাকি বলে অনুরোধ জানাইছো। Once again, I will repeat you that the next match will be played between Sorayto Police versus SG Arunachal. Amaro sai ka jero kon mukole ho cross koribo. Dhanyabad. Oh ho, yahan par ek aur wicket nikalta hua. इस ओवर में क्या बढ़िया कमाल मिलता है तो क्या होता है कि वो गेंद भजी गति हुई खेल में उजिया और दुगनी जिया जो सुई नजर आता हुआ ये लगा छक्का। इस बार भी क्या हुआ कि बल्ला तो क्रॉस मार था लेकिन कुछ संपर्क नहीं और गेंद गेट कीपर के दस्तानों पर। जी हाँ, इसी बीच हमारे अगली मैच के भी टॉस हो चुकी है। एस जी 11 गेले के लिए टॉस जीता और टॉस जीते ही उन्होंने क्या किया, फील्डिंग को चुना। इस बार भी गेंद हवा में, ये खिलाड़ी जीवू के पल्ले में गेंद अगर आ जाती है ना देखिए ये दबाव भी नहीं रहते। ये दोनों खिलाड़ी की ये खासियत है, अपने स्वभाव भी खेल के फिर से तैयार है और इस बार फिर से बदला घुमाया लेकिन इस बार थोड़ी सख्त है और उस साझेदारी को पनपते हुए भी कट करना चाहते थे। छोटा रखा गेंदों को फिर से जी को तैयार है। इस बार गेंद हवा पर, वो बाल बाल बचे वहां पर खत्म करने के खत्म करके जाएंगे। गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे जी नहीं नजर लगे इनकी लेकिन जो भी अपना काम पूरी तरीके से कर लेंगे। बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखने को मिलेगा। पहला गेंद थकने के लिए, क्या बढ़िया देखी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। हरा घास के ऊपर टपा खाए थे जिसके चलते वो स्विंग देखने को मिली। इस बार बहुत बढ़िया दिया दोनों फील्डर्स के गैप में निकालते हुए। लगभग 7 विकेट गिरने के बाद 90-91 रन के बाद अगर आप देखें 91 में 7 था उसके बाद उस मैच को बनाया था। क्या बढ़िया देखने को मिला था चार पारी और भागे हवा पर है, उठा के मारा है फील्डर उसके नीचे लेकिन यहाँ पर ये कैच छोड़ा है या मैच देखना पड़ा। यहाँ पर फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं तन्मय। यहाँ पर लाइट्स तो जली है लेकिन यहाँ पर जो बेस होता है ना वो बेस नीचे गिरना पड़ जाए वो हमें कल के देखने भी देखने को मिला था। रन आउट वहां पर गाड़ी ठीक गया था कि यहाँ पर समझदारी के साथ समझ तो 3 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन। लीगल डिलीवरीज लास्ट 18 लीगल डिलीवरीज हैज बीन रिमेनिंग एंड रिसी 11 नीड 31 रन टू विन। हर ओवर में चाहिए रिसी 11 को 2 बाउंड्री। 7 नंबर उठ हो जाएगा विजय को सही अदाए हैं जो कि इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पर लेकिन वहां पर एक रन संतुष्ट होना बड़े खिलाड़ी अभी भी उस तालिका में। और क्या बढ़िया इस बार प्लेसमेंट के साथ खेला है जी आतंक में एक तरफ ताकत तो दूसरी तरफ नजाकत फिर से स्ट्राइक पर। और क्या ये नो बॉल है, देखना पड़ेगा नो बॉल की मांग है और वहां पर 4 भी है। नो बॉल की मांग है और गेंद मिलेगा 4 रन यानी कि 5 रन आ चुके इस गेंद पर। फिर से देखिए तन्मय स्ट्राइक पर
हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया है लेकिन टेक ऑफ नहीं किया है। उठाने की यहाँ पर थी कि क्या बढ़िया पर समझदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान। ओहो यहाँ पर विकेट कीपर ने सिर्फ को गिरा दिया है जी हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी टीम सिर्फ टकराई नहीं फिर से तैयार है कप्तान। ऑन साइड पर खेला है वहां पर खेला है कहना एक रन आसानी से मिलेगा वो रन आ चुका है। चार ओवर के बाद बताना चाहूंगा स्कोर है 37 रन। मेरा मानना है यहाँ से समझदारी के साथ बल्लेबाजी करना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में 12 गेंद है और रन चाहिए 18 से बीच सिंगल और वहां पर तन्मय ने कुछ अंपायर को कॉल किया है कि देखिए गेंदबाजी में कुछ कोई दिक्कत है उनको बॉलिंग है। गेम इज ऑन दोनों टीमों के लिए। ओहो इस बार नो बॉल जिया देखिए इस समय बल्ला घुमाया लेकिन वहां पर जो फाइनल के खिलाड़ी है ना वो सके देखिए ये मैच प्रेशर बढ़ाने वाला मैच ही है और इस बार गेंद हवा में है लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग जिया एक्सीलेंट लाजवाब विंडो फील्डिंग वहां पर निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए दो बहुमूल्य रन बचाए हैं। बाहरी किनारा जिया देखना पड़ेगा और अंपायर ने वहां पर उंगली खड़ी की है अभी अभी स्ट्राइक रखेंगे अपने पास अभी अभी क्रीज बनाए हैं। आते ही बल्ला घुमाया एक रन इसीलिए इस खिलाड़ी महान कहा जाता है अपने हाथ में वो जोखिम लेके अभी भी क्रीज पे खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। इस खिलाड़ी की मनोबल आप देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बहुत बढ़िया ये इसीलिए खिलाड़ी इस फॉर्मेट के महान खिलाड़ी माने जाते हैं और इसलिए के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। तो 6 गेंदों में चाहिए 12 रन देखिए दर्शकों आखिर के 6 गेंदों में रन चाहिए 12 रन। तो दर्शकों मैच आगे खड़ा हो चुका है रोमांचक मोड पर गेंद बचाए 6 रन चाहिए 12। जी नहीं यहाँ पर शो खेला है क्या गेंद जी नहीं एक रन मिलेगा और शंकर ने वही किया है और अनुज बता रहे थे कि आप इस गेंद पे खेलना चाहिए था लेकिन अभी 3 गेंदों में चाहिए 11 रन। जी और देखिए मेरा मानना है और मेरा दिल बता रहा है इस टूर्नामेंट में साल 2024 एससीसी के मैदान पर चैंपियंस के चैंपियंस लीग में अभी तक वो सुपर ओवर देखने को नहीं मिला लेकिन यहाँ पर वो चांस बनने बन सकता है ये चांस बनने जा रहा है और यहाँ पर क्या गेंद देके जाएगा कोई भी रन नहीं 2 गेंदों में चाहिए 11 रन माफ कीजिएगा मेरे पास 11 रन ये निर्णायक गेंद रहेगा 500 निश्चित करते हुए कि मैच में पूरी तरीके से डिब्रुगढ़ का नाम आप बदल दीजिए दे दीजिए बाजीगर हाँ मारे हेड़े 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 चलिए बोले
ओडीआईसी के साथ अगले पड़ाव तक दिया, अगले राउंड में प्रवेश करते हुए बताया ना डिब्रूगढ़ किसकी सेज आते हैं पार्टों के ऊपर, किसी पार्टों के ऊपर।